स्टूडेंट टुडे वी स्टडी जॉन रिफाइनिंग पर प्यूरिफिकेशन की एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसमें हम गैलियम सिलिकॉन जर्मेनियम इन सेमीकंडक्टर को प्यूरिफाई करने के लिए हम जॉन रिफाइनिंग की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। नाउ वी स्टडी द टॉपिक ऑफ जॉन रिफाइनिंग। टॉपिक ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट का है और कंसेप्ट है जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग में हमारे पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। नाउ लेट अस टाइम टू बिगेन जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग दिस मेथड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वेरी प्योर मेटल। प्रिंसिपल क्या है? इम्प्योरिटीज आर मोर सॉल्युबल इन मेल्ट एंड देन सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक सर्कुलर मोबाइल हीटर फिक्स कर दिया जाता है वन साइड, एक साइड में सर्कुलर मोबाइल हीटर को फिक्स कर दिया जाता है और मूव किया जाता है हीटर को ऑन द रोड, जो मेटेलिक रोड होती है उसके ऊपर मूव किया जाता है। द प्रोसेस सेवलर टाइम, इसको हम रिपीट करते हैं तो एक साइड में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और एक साइड से में प्योरिटीज आ जाती हैं। दिस एंड इज कट ऑफ एंड दिस मेथड इज वेरी यूजफुल टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर एंड अदर मेटल लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन बोरॉन गैलियम इंडियम एंड हाईली प्योर मेटल। नेक्स्ट स्लाइड में डियर स्टूडेंट हम इसकी डायग्राम को स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम है। यहाँ पर इंडक्शन कॉयल हम अटैच करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्योर मेटल होती है। प्योर मेटल इंडक्शन कॉयल रॉड के ऊपर कंटिन्यूसली मूव करती है तो इम्प्योरिटीज एक डायरेक्शन में मूव होती जाती हैं। प्योर मेटल पिछली साइड में बनती जाती है, दैट इज नोन एज जॉन रिफाइनिंग। जॉन रिफाइनिंग के बेस पर मेथड बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इम्प्योरिटीज आर सॉलिडिफिकेशन एंड विल डिपोजिट इन क्रिस्टल ऑफ प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज रिमेन बिहाइंड इन मेल्टन पार्ट। जर्मेनियम सिलिकॉन एंड गैलियम सेमीकंडक्टर आर प्यूरिफाइड बाय दिस मेथड।